तो यार हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GTA 4 के पार्ट 3 में। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हम रोमन को लोन शार्क से बचाते हैं और एक बंदे को भी मार देते हैं। उसके बाद हम उसकी गर्लफ्रेंड की दोस्त से मिलते हैं जिसका नाम होता है मिशेल, और उसको डेट पे लेके आते हैं। इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम इस पार्ट में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सिंपली पिछली बार हम मिशन कम्प्लीट करके आके घर में सो गए थे, तो इस बार देखते हैं आगे क्या मिशन मिलता है हमें। तो पहले तो मैप के ऊपर हमें रोमन का आ रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, रोमन का सिंबल आ रहा है, ये देखो आर का। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या मिशन मिलता है अगला। भाई वहाँ पे ओपन गाड़ी निकली है, वो मिल जाए तो बात बन जाए। और ये फ्रेम रेट पता नहीं क्यों ड्रॉप हो रहे इतने। भाई ग्राफिक मोड लगाने का यही पंगा है, अगर आपका पीसी पावरफुल भी है ना तब भी फ्रेम रेट जो है वो ड्रॉप होंगे, कोई मतलब गारंटी नहीं है। तो भाई ये गाड़ी मिली है, वो ओपन जो ऊपर से ओपन थी वो गाड़ी तो नहीं मिली, वो निकल गई। बट कोई बात नहीं, यही अच्छी है, हमें तो स्टोरी से मतलब है ना कि गाड़ी से। बाकी GTA ऑनलाइन में देखेंगे नई नई गाड़ियाँ। Come on, Patty. Forget about the fat serf. Vlad, shut up. But he's a serf, and you're a countess. Talking about serfs. Oh, hey, Nico. Where's Roman? Good question. Hey, Yokel, your dumb cousin isn't here. Go get me a coffee. What? Get me a fucking coffee! Come on, I'll get you one. What? You keep staring at me. I'll burst one of your eyeballs. Gorgeous, this guy's a fucking creep. Give him a break. He's new in the country. I can see that. Did he walk here from 1985? Yeah. Excellent. Now stop fucking staring at me. I mean, I know I'm good looking and everything, but come on. Hey, Mallory. Hey, man. Hey. About time. Vlad, boy, what's going on? Roman boy, you tell me what's going on. That's aftershave. What is that? Sex pest? No. It's where is my fucking money? I had it. I had some of it. Then those Albanians you said you would deal with came and smashed my computer. So it's my fault? I didn't say that. Good. Anyway, Nico dealt with him. Broke Dodden's arm. Then beat up a couple more. Then we teach him a real lesson. Is that so? I tell you what. While you don't pay, maybe you and Nico can do me few favors. Sure. Good. Why not? Later, Vlad. What? The phone's ringing. Hey. Yeah. Okay. No, I can't do it. My cousin will do it. Yes, he can drive. No, he's not a cop. His name is Nico. You'll be right over. Nico. Sorry to ask, cousin. Can you go pick up Jermaine, one of my regulars? He's over on Rotterdam Hill on Mohawk Avenue. Whatever. What was this all about? Nico came in looking for you, and Vlad told him to get him a fucking coffee, and Nico didn't want to. Coffee? What was he thinking? I know. तो यार सिंपली क्या हुआ है कि थोड़ी लड़ाई हो गई है। ये जो इसका रोमन का जो हेड है, जो व्लैड है जिसका नाम, एक सेकंड, ये क्या कर रहा है हमारा करेक्टर। हाँ, तो नीको के भाई का जो हेड है ऊपर बॉस, जिसका नाम है ब्लैड, जो बूढ़ा है, वो सिंपली क्या करता है, नीको की अपने नीको के भाई की गर्लफ्रेंड को छेड़ता रहता है। तो सिंपली इस बार क्या हुआ कि वो इसको देख रहा था, अपने इसको हुक्म दे रहा था कि तुम मुझे कॉफ़ी दो, तो सिंपली इसने नहीं दी और उसको घूरता रहा, तो इसकी वजह से वो दोनों लड़ पड़े। तो सिंपली कुछ नहीं है, इस रोमन ने बताया उसे आके कि कुछ लोन शार्क आए थे और नीको ने उसकी पिटाई कर दी। तो सिंपली विलाड को लगता है कि मतलब वो उसके लिए नीको उसके लिए मतलब काम कर सकता है, जैसे उसने भी काफ़ी लोगों को उधार दिए होंगे पैसे जो उनको वापस नहीं किए जिन्होंने। तो सिंपली उसने कहा है कि कोई बात नहीं, आगे जाके हमें मतलब नीको की ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है ये कि अपने इस मिशन में ऐसा होता है कि मतलब कह लो कि उसको फ़ोन आता है रोमन को किसी उसके कस्टमर का, और वो कहता है कि मुझे टैक्सी चाहिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो रोमन तो उसे मना कर देता है, बट वो कहता है कि मेरा भाई जो है वो फ्री है, वो आपको छोड़ देगा। बट वो आगे से कहता है कि वो कॉप तो नहीं है, मतलब पुलिस वाला तो नहीं है, क्योंकि वो ड्रग डीलिंग जैसी कोई मतलब करता है काम।
तो सिंपली उसका ये डर है, बट कोई बात नहीं, हम उसे लेने जा रहे हैं। तो सिंपली यहाँ से स्टोरी एक्चुअल में शुरू होती है, हमारी गैंगस्टर वाली स्टोरी, जो कि GTA में मतलब मेन है उसका काम। तो ये हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये सामने कॉस की कार भी खड़ी है, मतलब पुलिस वालों की कार भी खड़ी है छिपके। Thanks for coming. Can you take me over to Masterson Street? Masterson Street it is, Jermaine. Okay, तो इसका नाम जर्मेन है, जर्मेन। अभी तो हमें गन भी नहीं मिली। I'm Roman's cousin. If you can trust him, you can trust me. He told me about you. Nico, right? The hotshot ladies man cruising around the Mediterranean breaking hearts and making millions? Yeah, I traded in the yacht for this cab. That's exactly the kind of bullshit I can imagine Roman making up. You've got to give him credit for his imagination. Yeah, you got him. तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, एक सेकंड से थोड़ा भौंक लेने दो, उसके बाद हम बात करते हैं। Being here in Liberty City is just making them dirtier. Okay, okay. I gotta pick up some hot parts for my locker. You down? I ain't got no problem with that. Just don't tell me if you stole this shit from a hospital or a school for sick kids. My conscience is troubled enough already. तो सिंपली ये बंदा कहता है कि मतलब मैं किसी पे यकीन नहीं करता, क्योंकि ये पहले गैंगस्टर लाइफ में इन्वॉल्व होता है ये बंदा। और बट निको कहता है कि अगर तुम मेरे भाई पे यकीन कर सकते हो तो मेरे पे यकीन कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। तो सिंपली ये कहता है मुझे वहाँ पे छोड़ दो जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। That door isn't meant to be open. Wait here while I take a look. Okay, तो पुलिस आ चुकी है यहाँ पे, ये एक ट्रैप था। ओके, तो हमें भागना पड़ेगा यहाँ से। ओके, तो पहले पीछा छुड़ाना पड़ेगा इन कॉप से। तो ये सिंपली एक ट्रैप था इस मिशन में। ओके, चल भाई चल। एक तो GTA 4 में फिजिक्स इतनी रियल है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, GTA 5 में तो इजी है। इसमें क्या है, GTA 5 वाला ही सिस्टम है, जैसे ऊपर मैप में राउंड सा एक सर्कल बना हुआ है, उसके अगर बाहर चले जाते हम तो सिंपली कॉप्स जो हैं वो हमें भूल जाएंगे। एक हिसाब से देख लो, एक हिसाब से समझ लो कि वो हमें मतलब कह लो ढूंढ नहीं पाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे, वॉन्टेड लेवल जो है हमारा डाउन हो जाएगा। GTA San Andreas और Vice City की तरह नहीं कि मतलब हमें वॉश करानी पड़ेगी, ये जो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है इसमें। तो सिंपली हम जो कॉप से पीछा छुड़ा चुके हैं, तो हमें अभी जाना है गिब्सन स्ट्रीट में। अरे भाई ये टैक्सी वाला क्या कर रहा है, अभी हमें गन नहीं मिली, नहीं तो बहुत कुछ कर सकते हम। अभी क्या है कि हम एक एक से लड़ नहीं सकते, मतलब 25 से लड़ना पड़ेगा, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। और ये देख लो मेरी ड्राइविंग, भाई आगे से देखो गाड़ी का हाल। ओके, तो सिंपली हमारी इससे फ्रेंडशिप हो चुकी है, आगे जो मिशन आएंगे वो इसके साथ ही आएंगे, क्योंकि ये गैंगस्टर है जहाँ तक मुझे लगता है। तभी इसके पीछे कॉप्स पड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक गैरेज अनलॉक हो चुका है, एक के हिसाब से वही GTA Vice City वाला काम, मतलब इसके अंदर एंटर करो, हमारी जो गाड़ी है वो न्यू बन जाएगी और जो कॉप्स हैं वो हमें पहचान नहीं पाएंगे। तो सिंपली वांटेड लेवल जो है हमारा ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली गाड़ी लेते हैं, ओपन हुड वाली, हुड कह रहा हूँ, ऊपर छत नहीं जिसके, ओपन कार। ओ भाई, तो पहले रोमन को कॉल करते हैं, हमने लेते ही गाड़ी ठोक दी। ओ भाई भागती कितनी ये गाड़ी। ओके, तो यहाँ पे हमने पुलिस वालों की गाड़ी ठोक दी है। अगर पुलिस वाले की गाड़ी ठोकोगे तो वो सिंपली आपको अरेस्ट कर लेंगे या फाइन डालेंगे। तो पहले हमने एक मिशन तो कर चुके हैं हम इस पार्ट में, दूसरा मिशन भी कर लेते हैं। अब जाते हैं दोबारा रोमन के पास, जाके देखते हैं, क्या पता हमारा वांटेड लेवल ऐसे ही डाउन हो जाए। ओके, तो ऐसे ही डाउन हो जाएगा, नेक्स्ट मतलब मिशन लग चुका है। Hello, Roman Bellic Enterprises.
No, Mr. Belik is stepped away from his office. Can I take a message? Okay, great. No, I'm not gay. Yes, I'll tell him. Car 7, head to South Slopes. Come on, where are you, Mohammed? Hello, Ramin Belik's up. Shit, fucking battery. This is chaos. Capitalism is a dirty business. Yeah? Like war? Not exactly. No, maybe not. When are you going to tell me properly about what happened? I'm not going to judge you. When you got time. There, I have time. Another time. Can I help? Okay, yes. Go pick up my friend little Jacob. He's a good man. Likes to smoke a bit. Look after him. He's on Oneida Avenue in South Slopes. Nico, man, we should talk sometime. Oh. I'm a good listener. Whatever, man. Mohammed, what the fuck? Oh, Miss Weinstock. No, not you. What can I do for you today? तो यहाँ पे पिछली बार जो हमने बंदा ड्रॉप किया था पिछले मिशन में, तो सिंपली वो तो स्प्रे वाला था, ना कि कोई गैंगस्टर, मतलब इतना बड़ा नहीं था। अभी जो जिसको हम पिक करने जा रहे हैं वो रियल गैंगस्टर टाइप है। अभी उसने बताया कि वो थोड़ा स्मोक ज़्यादा करता है, इसका मतलब सिंपली है वो गैंगस्टर वगैरह है। तो सिंपली इसकी कैब लेते हैं और जाते हैं वहाँ पे। और इस मिशन में हमें एक और नई बात पता चली है जो हमें फर्स्ट मिशन में पता चली थी, कि इसका जो मतलब बैकग्राउंड है निको बेलिक का वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये कोई वॉर वगैरह में था तो वहाँ से इसके पंगे पड़े हैं। तो आगे जाके हमें पता चलेगा, सिंपली अभी इसने बताया नहीं है क्योंकि अभी इसने कहा कि अगली बार हम बात करेंगे इस वॉर के बारे में। तो ये वो बंदा है, इसको हॉर्न बजाते हैं ताकि ये आ जाए गाड़ी में। अभी ये भाई फूक रहा है, पता नहीं क्या मतलब नशा वगैरह कर रहा है। तो सिंपली इसके मिशन आएंगे आगे, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि GTA गेम में ऐसा ही होता है। जब तक हमें कोई खतरनाक बंदा नहीं ना मिलता, उससे फ्रेंडशिप नहीं होती, तब तक रियल स्टोरी शुरू ही नहीं होती। सिंपली ये अभी बेस प्रॉपर कर रहे हैं अपना। Gonna help Roman take over the world and thing. I guess so. Respect, all right. We're going to the spot where I need to wait for it. See? I gotta ask you another favor too. Go for it. Can you take this piece? You hear anything bad going down? You come and help, right? Are you worried about this? I know how to use a gun if you want me to keep watch on things. Realness, brother. You're my man Roman's cousin. Thanks, respect. This rascal that I rock is with my bridge and real bad man the other day. I want to make peace, but John, what type of shit they might pull off. Okay, तो भाई आ गया है रियल मिशन, मतलब कह लो गैंगस्टर वाला मिशन। तो यहाँ पे सिंपली इसकी कोई डील है होने वाली, ये भी हमारा दोस्त बन चुका है। और अभी निको ने कहा है कि हम अगर तुम चाहो तो मुझे गन चलानी आती है, मैं और भी काम कर सकता हूँ। सिंपली उसने कहा कि यहाँ पे डील होने वाली है, ऊपर जाओ, ऊपर तुम्हें गन मिल जाएगी। तो कहाँ पे है गन भाई? ओके, उसने गाड़ी में दे दी हमें गन। तो क्यू दबाने से ये मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा किसी दीवार के पीछे या किसी चीज़ के पीछे, जैसे कि गाड़ी की डिग्गी के पीछे। तो सिंपली यहाँ से हमें ध्यान रखना है डील का, यहाँ पे डील होने वाली है कोई ट्रक वगैरह की। तो अगर उसमें कुछ गलत होता है तो सिंपली फाइट हो जाएगी। तो ये आगे बंदे, देखते हैं क्या होता है। We have to teach a bad man his lesson and team. Okay, the fight shuru ho chuki hai. Okay, to do bande maar chuke hum. Headshot padega to direct death hai. Ye bahut achhi baat hai is game mein. Okay, to sare bande to mar chuke hain mere khayal se. But ye abhi bhi chupa hua hai. Okay, upar se aa chuka hai. डायरेक्ट हेडशॉट, मर गया। ओ भाई देखो फिजिक्स देखो, मतलब GTA 5 से भी मतलब अच्छी है इसकी फिजिक्स कई मामले में। ओके, तो राइट कंट्रोल नहीं, एक सेकंड, लेफ्ट कंट्रोल दबाएंगे तो ये सीधा भागने लग पड़ेगा, मतलब ये जो हिडन होता है ना वो हट जाएगा। तो सिंपली पिस्टल की गोलियां कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें आगे जाके जरूरत पड़ेगी। फाइनली पिस्टल मिली हमें, पिस्टल ही काफ़ी है क्योंकि ये मतलब रियलिटी के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है। हमें मशीन गन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी हमें पिस्टल की ज़रूरत पड़ेगी इस गेम में, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अरे भाई इतना शोर। एक आपको चीज़ दिखाता हूँ,
एक सेकंड, ये बंदा उठेगा, मैं देखना आपको दिखाता हूँ। इसमें रियल मतलब इतनी अच्छी है ना फिजिक्स, ये देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया फिजिक्स है इनकी। स्पेशली जब आप तेज होते हो और किसी बंदे में बचते हो ना, तो उसकी मतलब इतनी रियलिटी होती है, मतलब इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक होता है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है बहुत ज़्यादा, जब वो ऐसे मुड़ता है उसका शरीर पूरा, मतलब जैसे हड्डियाँ टूटती हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, ये इनका अड्डा लगता है। ओके, तो लेफ्ट साइड में जो तीन बंदे खड़े हैं उसमें से एक पता नहीं क्यों हेलमेट डाल के बातें कर रहा है, अभी देखा मैंने। ओके, तो मिशन हो गया हमारा कम्प्लीट, अभी चलते हैं वापस मेरे ख्याल से रोमन के पास, हाईवे पकड़ लेते हैं। ओके, तो पहले रोमन को कॉल करेंगे, मुझे लगता है बताने के लिए कि हमने मिशन कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो जब ये कॉल पे कहता है कि तुम्हारे साथ काम करना इतना भी ज़्यादा बोरिंग नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही वॉर में से आया है, तो इसको तो खून खराबा और भी ज़्यादा पसंद होगा, तो सिंपली यही बात हुई है इनमें। ओ भाई, बाइक्स देखो, बाइक्स एक लेते हैं इनमें से एक, और इस पार्ट को ख़त्म करते हैं, और थंबनेल भी मिल जाएगा। अच्छा, कौन सी बाइक लें, ये ब्लू वाली या रेड वाली? ओके, रेड वाली लेते हैं, चल भाई भाग जा। ओके, तो यहाँ पे पुलिस भी पड़ चुकी है हमारे पीछे, भाई मुझे थंबनेल लेना है, बाइक टूट ना जाए, चल भाई भाग भाग। उससे पहले हम क्या करते हैं, वे पॉइंट सेट कर देते हैं अपने घर का, क्योंकि घर पे जाके हमें सेव भी तो करनी है ना ये गेम। ओके, तो हमें पीछे से मुड़ना था, बट कोई बात नहीं, हम आगे से जाके कोई रास्ता ले लेंगे, क्योंकि पीछे तो पुलिस है भाई। भाई ये बाइक ले तो ली मैंने, बट ये मुड़ती नहीं है, बट इसका डिज़ाइन देखो कितना अच्छा है। हालांकि ये गेम पुरानी है, उसके हिसाब से इसमें जो कार है और बाइक है वो भी पुराने होंगे। इसका मडगार्ड देखो पीछे से कैसा है। ओके, अननोन कॉलर आया है एक, इसका फोन पिक कर लेते हैं, देखते हैं कौन है। ओके, तो सिंपली एक और मिशन आ चुका है, अभी देखता हूँ कितनी लंबी है वीडियो। ओके, तो एक मिशन और आ चुका है हमारे पास, तो सिंपली ये भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोग देख लोगे वीडियो लंबी। तो सिंपली ब्लैड का फ़ोन आया था अभी हमें, और वो कहता है कि तुम्हारा जो भाई है रोमन, ब्लैड जो है वो रोमन का, इसके निको बेलिक जो हमारा मेन करेक्टर है, इसके भाई का बॉस है, जो कि बड़ा खड़ूस है, और वो कहता है कि तुम्हारे भाई ने मुझसे बहुत सारा लोन लिया हुआ है, अगर तुम उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहते तो सिंपली मैं जहाँ पे बुलाता हूँ वहाँ पे आ जाओ और मेरा काम करना पड़ेगा। तो सिंपली उसने देख लिया कि ये बंदा लड़ सकता है, तो इसके लिए वो इसे मतलब काम करना चाहता है, इससे काम लेना चाहता है। और लिटिल जैकब जो अभी हमारी लड़ाई वगैरह नहीं हुई, जिसने हमको गन दी, उसका फ़ोन आया, जो कि जा चुका है, मैं पिक करना ही भूल गया, मैंने पिक ही नहीं किया, मैं बोलता रह गया। तो पहले क्या करते हैं, इसके व्लैड के पास चले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, कौन सा मिशन मिलता है हमें। You're a bunch of pussies and fags. Nice. I'm going back to the meeting. Good. I'm going to be somebody. Yeah, yeah. See you later, Mel. You always were an asshole, Mickey. Hey, watch where you're going. Hey. Hey. I tried to tell you. Fuck you. Excuse me. Позвони мне, когда закончишь, хорошо? Sorry, man. I see you later, okay? Yoko, fatty Roman's cousin. What's your name again? Big Mouth Prick. Very catchy. Sit down. Cousin Nico. That's it, Nico. Not Big Mouth Prick. You're a funny guy. I try. Yes, and this one's, I'll let you take the shit out of me. Take the shit? Yes, Mickey about. I don't understand. People who fuck with me get fucked with. Okay, fine. Calm down. Whatever. Some old man not paid me in months, and I'm not kind of person who is treated this way. Old bastard owns a china shop in the Compton Avenue in Dukes. Here you go. Don't hurt him. Just teach him a lesson. I don't need a bat to teach a lesson. तो यार सिंपली आई एम बैक।
तो यहाँ पे हमें क्या ब्लड कहता है कि उसका एक मतलब कस्टमर है जो क्या करता है, ब्याज पे पैसे देता है, मतलब पहले लोगों को लोन देता है, तो सिंपली उनसे 10% ज़्यादा कमीशन बाद में लेता है, और धीरे धीरे मतलब देने को कहता है कि एक एक मंथ में दो, ऐसे मतलब ब्याज इकट्ठा करते हैं लोग, ऐसे ही कमाई करते हैं। तो सिंपली इसको किसी ने मतलब लोन दिया था, और उसने काफ़ी मंथ से काफ़ी महीनों से उसने लोन वापस नहीं किया है, और सिंपली ब्लड कह चाहता है कि हम लोग जाएँ और उसको मतलब लेसन दें, मतलब तोड़ फोड़ करें या उसको डरा के आएँ, और ताकि वो पैसे वापस करे। तो सिंपली वो हमें बैट देता है, बट निको बेली कहता है कि मुझे बैट की ज़रूरत ही नहीं है, मैं वैसे ही डरा दूंगा। बात भी सही है भाई, जो बंदा जंग लड़के आया हो तो उससे डर नहीं लगेगा तो किससे लगेगा। तो पहले चले जाते हैं वहाँ पे, कोई मतलब चाइना शॉप है, चाइना शॉप पता नहीं ऐसे ही करके, डाउन स्ट्रीट पता नहीं कहाँ पे। तो पहुँच चुके हैं यहाँ पे, शॉप वगैरह है कोई यहाँ पे, ओके तो यही है, चाइना लिमिटेड, जे चाइना लिमिटेड। तो सिंपली बात करते हैं जाके, अगर मानता है ठीक है, नहीं तो बंदूक तो है ही हमारे पास। Big Vlad and his protection money? I so scared. What I need protection from? You think this door is going to save your shop? There's shit I can break out here. Vlad should pay me to tell punk like you to go away. He get no money. Okay, तो यहाँ पे उसने पैसे देने से सख्त मना कर दिया है। तो यहाँ पे शहर है, हम ज़्यादा मतलब बंदूक वगैरह भी नहीं यूज कर सकते, और ब्लैड ने कहा था कि उसको हर्ट मत करना। तो सिंपली यहाँ पे दिखा रहा है हमें कि यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्या है भाई, ओके तो हमें ईंट उठा के मारनी है उसके। वाह भाई, ईंट तो हम GTA 5 में भी नहीं उठा सकते। और एक आप चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का है थोड़ा सामान पड़ा हुआ, तो यहाँ पे देखो ये पैरों के निशान कैसे छोड़ रहा है, ये देखो, रियलिज्म भाई, रियलिज्म। तो यहाँ पे ईंट दबाते हैं, ये उठा ली हमने ईंट, तो चलो भाई भागते हैं उसकी दुकान के शीशे वगैरह तोड़ के आते हैं, बताते हैं उसे भाई किससे पंगा लिया है तूने, भाई मारना कैसे। ओके तो यहाँ से एम करके ऐसे मारना है, एक शीशा तोड़ा भी। Stop it, shit brain. I pay up now. I pay up. Here's your money. I hope you and Vlad choke on it. Sure, whatever. अरे भाई मुझे तो लगा था खून खराबा होगा, बहुत सारे शीशे तोड़ेंगे, इसने तो पहली ईट में ही पैसे दे दिए सारे, मजा नहीं आया। ओके तो वापस चलते हैं। अरे भाई बाइक देखो एक बार, ठोक दी। अरे भाई आगे की गाड़ी के रिम्स देखो, गोल्ड के लगता है, गोल्डन रिम्स, मॉडिफाइड है। तो सिंपली देखो बाइक, देखो भाई कैसे मतलब, जब भी मैं बाइक की तारीफ करता हूँ ना, ये जाके मतलब किसी ना किसी से बच जाती है, ये देखो पता नहीं क्या हो रहा है। ओके तो वापस चलते हैं ब्लैड के पास, और जाके उसे पैसे देते हैं, देखते हैं कि वो हमें कमीशन देता है इसमें या नहीं। अगर तो नहीं देगा फिर तो बुरी बात है, फिर आगे से काम नहीं करेंगे, अगर देगा फिर तो अच्छा है भाई, और क्या चाहिए, हमारा क्या घटता है। ओके तो ड्रिफ्टिंग बज रही है इस पर, भाई मुड़ जा, ड्रिफ्टिंग ज़्यादा भी नहीं मारनी हमने। इसका हैंडल देखो, ये देखो ध्यान से हैंडल, मतलब हैंडल का एंगल देखो, तभी नहीं मुड़ नहीं रही है बाइक, मतलब बहुत मुश्किल हो रही है। देखो हैंडल देखो कैसा है इसका। ओके थंबलेन तो ले ले, याद ही भूल गया। ओके तो ये हमारा थंबनेल होने वाला है, ये वाला स्मोक निकलेगा नहीं, इसमें चैन भी नहीं लगी हुई मुझे लगता है, ये बेल्ट ड्राइव है वो देखो पीछे। ओके तो इसका मडगार्ड देखो कितना खतरनाक है पीछे से, आगे वाला टायर कितना पतला है और पीछे वाला कितना मोटा टायर है। अरे भाई इसमें मॉडिफाइड कार कितनी है, ये देखो कितनी अच्छी मॉडिफाइड है, मतलब GT5 में भी कम ही दिखती है मॉडिफाइड कार्स, इसमें ज़्यादा दिखती है। Hey Yokel, you managed to do the job? Get Vlad his money? He paid up. I had to smash the shop up pretty good, but he paid. Don't worry your little peasant head about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for back east. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying for. That it? Can I go now? Sure. Get out of my face. Okay, तो यार ये क्या, हमारी बाइक तो गिरी पड़ी है, किसने गिर दी भाई। और सिंपली क्या कहता है व्लैड, व्लैड ने हमें पैसे नहीं दिए,
और इसने जाके बताया कि भाई मुझे कांच तोड़ना पड़ा उसकी शॉप का, तभी उसने पेड किया मुझे, मतलब ऐसे पैसे दिए, बट हाँ दे दिए। तो सिंपली इससे वो खुश होता है, खुश भी क्या होता है, वो कहता है गेट आउट ऑफ माय फेस, मतलब भाग जा तू। तो खुश भी नहीं हुआ, काम भी करवा लिया, पैसे भी नहीं दिए। पैसे तो इसलिए नहीं दिए मेरे ख्याल से क्योंकि रोमन ने उससे लोन लिया हुआ है, इसके भाई ने बहुत सारा, तो वो पैसे क्यों दे इसे स्पेशली। तो सिंपली यहाँ पे इस पार्ट को रोमन का कॉल आया, पिक कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है। Been having that much fun since I got here. Has been a lot like hard work. Well, you should hang out with your cousin more often. Maybe that is the problem. I'm sitting here with Brucey. Well, we're sitting here and calling the cops and watching them show up and look around. The fucking stupid bastards. You shouldn't cry wolf, Roman. Who knows when you really need help? Fuck! I think they see us. Have to call Nico. Okay, तो simply हमारे भाई का कॉल आता है, वो और उसका कोई दोस्त होता है, तो वो वहाँ पे मज़े ले रहे हैं, पुलिस वालों को कॉल करते हैं कि हम यहाँ पे प्रॉब्लम में हैं। तो सिंपली वो छिप के देखते हैं कि मतलब ये क्या करेंगे आके, पुलिस वाले आके बस झाँक रहे हैं कि कहाँ किसने फ़ोन किया, क्या प्रॉब्लम है। तो वो बेवकूफ़ लग रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं रोमन, तो उन्होंने एकदम से देख लिया और उसने फ़ोन कट कर दिया। तो सिंपली मैसेज आए हैं दो तीन, देख लेते हैं क्या है और इस पार्ट को एंड करते हैं। ओके, तो व्लाड ने दोबारा बुलाया हमें, अभी किसी और से काम निकलवाएगा ये, मतलब कि कह लो किसी और को, मतलब इसने पिटवाना होगा इसलिए ये मतलब हमें फ़ोन कर रहा है। तो सिंपली उसको तो हम अगले पार्ट में ही करेंगे, फाइनली इस पार्ट को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा, ऐसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ बट टाइम लग जाता है अपलोड करने को, सॉरी इसके लिए। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।